हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट सेकेंड, दैट इज केमिस्ट्री ऑफ पेपर थर्ड। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ यूनिट सेकेंड, दैट इज ऑफ केमिस्ट्री ऑफ पेपर थर्ड? हाउ शुड बी प्रिपेयर दिस यूनिट? व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी एंड व्हाट शुड बी कीप इन आवर माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस यूनिट? These points we have already discussed in a separate video, so please watch that video first and then watch this video. In this lecture we will study matter, element and compound. Why? Because there are two points mentioned in our syllabus. The first point is element, compound, mixture. Then definitions, right? Definitions, right? Chemical symbols, then properties, right? And then availability on earth, right? So which means that we have to study definition, chemical symbols, properties and availability on earth of elements, compound and mixture. And second point is of matter, right? Then metals and kya ho jayega, non-metals, right? So we have to cover these points in upcoming three lectures. In this lecture, at first we will study matter. क्योंकि जब तक आप matter को नहीं समझेंगे तब तक आप जो है element और compound के बारे में समझ नहीं पाएंगे. So at first we will study matter in depth, then we will study element and then compound. Right? So in this lecture we will study matter, element and compound. In next lecture we will study mixture. Right? So definition of mixture, chemical symbol, properties and availability on earth of mixture. तो इसको हम upcoming lecture में पढ़ेंगे. और जो third lecture होगा उसमें क्या पढ़ेंगे, हम metals and non-metals के बारे में पढ़ेंगे. So these topics would be covered by us in upcoming three lectures, right? अब यहाँ से जो है 3 marker question और 5 marker question और 11 marker questions भी कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, राइट? फॉर एन एग्जाम्पल, जो 3 marker question है, राइट, डेफिनेशंस में बी आस्ड इन अ 3 marker question. फॉर एन एग्जाम्पल, डिफाइन एलिमेंट, राइट, डिफाइन एलिमेंट, डिफाइन डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफाइन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या शॉर्ट नोट आ सकता है, राइट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैटर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फिजिकल सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो कुल मिलाकर 3 marker में यहाँ से डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं. तो वहीं जो 5 marker question होंगे, 5 marker question में जो प्रॉपर्टीज हैं, राइट, प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं, राइट. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट, राइट. डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट, राइट, या व्हाट इज कंपाउंड, राइट. फिर डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कंपाउंड, या फिर जो है 11 marker question में जो है 2 या 3 जो है सब टॉपिक पूछे जा सकते हैं, राइट. डिफाइन कंपाउंड एंड एलिमेंट, आल्सो डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, राइट. या व्हाट इज मैटर, राइट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ matters or classification of matters. So these type of questions जो हैं इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, राइट. तो हम शुरू करते हैं, राइट. एट फर्स्ट वी विल स्टडी मैटर, देन एलिमेंट, देन कंपाउंड. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर एंड अंडरस्टैंड मैटर. सी एवरीथिंग अराउंड अस विच कैन बी रियलाइज बाय आर सेंस ऑर्गन्स इज नोन एज मैटर. फॉर एन एग्जाम्पल, this remote, this pen, this panel, this mic, everything जो है ये matter से ही बना हुआ है, right? So everything which is around us and which can be realized by our sense organs is known as matter. But अगर exam में पूछा जाए तो हम इसको एक proper तरीके से जो है define कर सकते हैं, right? So everything in this universe that has mass, that has volume, occupies space, can exert pressure, can have inertia, whose state can be transferred through energy and whose existence can be realized by sense organs is called
मैटर। तो ये मैटर की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी, राइट। अगेन मैं आपको बताना चाहूं, ये जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, क्योंकि देर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन ऑफ मैटर देन एलिमेंट देन कंपाउंड। तो इसीलिए इन डेफिनेशंस को आप बहुत ही अच्छे से याद रखें और एक तरीके से इनको दो तीन बार लिखकर इनकी प्रैक्टिस कर लें, राइट। सो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स दैट हैज मास, हैज वॉल्यूम, ऑक्यूपाइज स्पेस, कैन एक्सर्ट प्रेशर, कैन हैव इनर्सिया, राइट, होज स्टेट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू एनर्जी एंड होज एग्जिस्टेंस कैन बी रियलाइज्ड बाय द सेंस ऑर्गन्स इज कॉल्ड मैटर, राइट। अब अगर हम इसका सिंपलर फॉर्म देखें, सो एवरीथिंग विच इज इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट एनर्जी इज नोन एज मैटर, क्योंकि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो एनर्जी के अलावा इस ब्रह्मांड में या इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है, राइट। सो एवरीथिंग विच इज नॉट एनर्जी इज अ मैटर इन दिस यूनिवर्स। फॉर एन एग्जाम्पल, आयरन, वुड, पेपर, स्टोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। नाउ वी विल स्टडी द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, राइट। ये 3 मार्कर क्वेश्चन में जो है पूछा जा सकता है, राइट। सो वी विल सी द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो नेचर जो मैटर है, मैटर के फिजिकल नेचर को हम इन दी दो पॉइंट से जो है समझ सकते हैं, राइट। फर्स्ट क्या हो जाएगा, मैटर हैज मास एंड मैटर हैज वॉल्यूम, राइट। तो मैटर में मास होता है और वॉल्यूम होता है, राइट। सो थ्रू दिस पॉइंट वी कैन अंडरस्टैंड द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इसके साथ ही मैटर इज मेड अप ऑफ इन्यूमरेबल टाइनी पार्टिकल्स। तो जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है, और इसी फिजिकल नेचर के आधार पर ही जो मैटर की स्टेट्स हैं उनको हम जो है समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, राइट। तो इन दो पॉइंट्स अगर हम देखें, तो जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कैन बी अंडरस्टूड बाय दीज टू पॉइंट। फर्स्ट इज मैटर हैज मास एंड वॉल्यूम, सेकेंड मैटर इज मेड अप ऑफ इन्यूमरेबल टाइनी पार्टिकल्स। अब हम यहां पर चूंकि अगर हम देखें तो जो मैटर है, राइट, अब मैटर का आगे जाकर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, राइट। जैसे अगर हम देखें तो मैटर, फिर मैटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्योर सब्सटेंस हो जाएगा, देन प्योर सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, फिर एलिमेंट में फिर क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, राइट, देन नॉन मेटल हो जाएगा, और थर्ड क्या हो जाएगा, मेटोलाइड हो जाएगा, राइट। वैसे अगर आप देखेंगे कंपाउंड में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इस तरीके से जो मैटर का क्लासिफिकेशन, ये बहुत ही क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अब इस क्लासिफिकेशन को हम पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से ही समझ सकते हैं। दरअसल मैटर के इतने क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, मैटर का क्लासिफिकेशन क्यों होता है, या मैटर के डिफरेंट टाइप्स जो हैं क्यों होते हैं, उसका कारण क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स हो जाएगा, राइट। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ इन्यूमरेबल टाइनी पार्टिकल्स, और इन्हीं पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही जो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर है वो यूनिवर्स में पाया जाता है, राइट। सो वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और ये भी जो है 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पहला क्या हो जाएगा, देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, राइट। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस होता है, और इसी के आधार पर देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो सॉलिड होता है, जैसे ये क्या हो जाएगा, मार्कर हो जाएगा, तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम गैप होता है या सबसे कम स्पेस होता है, राइट। इसके बाद में जो लिक्विड है, लिक्विड में पार्टिकल्स और दूर दूर होते हैं, इसीलिए लिक्विड जो है वो फ्लड होते हैं या तरल होते हैं। फिर सबसे ज़्यादा जो गैप होता है वो किस में होता है, गैसेस में होता है, इसीलिए गैस का ना तो फिक्स्ड शेप होता है, ना ही फिक्स्ड क्या होता है, साइज होता है, राइट। तो जो मैटर का पार्टिकल्स होते हैं, देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सेकेंड क्या हो जाएगा, राइट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा,
मोशन हो जाएगा, और चूंकि पार्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टेंट मोशन में होते हैं, इसी वजह से जब हम लिक्विड को किसी भी जो है वेसल में डालते हैं तो लिक्विड उसी वेसल का शेप ले लेता है, और उसी की वजह से अगर हम किसी कंटेनर में गैसेस को फिल करते हैं तो जो गैसेस होती हैं वो उसी कंटेनर को पूरी तरीके से क्या कर देती हैं, फिल कर देती हैं, क्योंकि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलवेज या कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, मोशन स्टेट में होते हैं। थर्ड क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ईच अदर हो जाएगा, राइट। तो जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है इस अट्रैक्ट के कारण, इसकी वजह से भी जो है सॉलिड लिक्विड स्टेट, सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट होती है, राइट। सिंस देयर इज अ लेस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, देयरफॉर जो सॉलिड होता है राइट उसका फिक्स्ड शेप होता है, एंड फिक्स्ड क्या होता है, साइज होता है, राइट। सो इस तरीके से वी हैव अंडरस्टूड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, राइट। नाउ वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो जो है अब हम यहां पर मैटर का क्लासिफिकेशन समझेंगे, राइट। सो मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू फॉर्म्स, राइट। फर्स्ट इज केमिकल, देन इज फिजिकल। तो मैटर को फिजिकल एंड केमिकल के आधार पर दो तरीकों में या दो फॉर्म्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, देन केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। अब अगर मैं आपको बताना चाहूं यहां पर, तो हां यहां पर देख लीजिए, जो मैटर है राइट, मैटर को हम, मैटर का अगर हम यहां पर फिजिकल क्लासिफिकेशन देखें राइट, तो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता राइट, फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, देन गैस हो जाएगा राइट, और क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। उसके अलावा भी हमको जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट और प्लाज्मा स्टेट, इसको समझना है। तो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें हमको ये पांच फॉर्म देखना है राइट। साथ ही साथ ये जो मैटर है, मैटर का अगर हम यहाँ पर केमिकल क्लासिफिकेशन देखें राइट, तो मैटर को, मैटर का केमिकल जो क्लासिफिकेशन है उसमें मैटर को सबसे पहले जो है किसमें, एक तो क्या हो जाएगा, मिक्सचर में तोड़ा जाता है, और साथ ही साथ दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। सो मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज केमिकल क्लासिफिकेशन इन मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस फिर दो भागों में टूट जाता है, एक एलिमेंट हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। फिर जो एलिमेंट है वो मेटल में, नॉन मेटल में एंड मेटलॉइड में, राइट, मेटलॉइड में इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो कंपाउंड है इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड, और किस में, इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। चलिए अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो मिक्सचर होता है, फिर मिक्सचर भी इसको हम दो तरीके से, एक क्या हो जाएगा, होमोजीनियस राइट, और देन क्या हो जाएगा, सेकेंड हेट्रोजीनियस हो जाएगा। होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है उसको ही क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन बोला जाता है राइट। तो हमको सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, और हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होता है राइट, उसमें ही हमको क्या पढ़ना है, एक कोलाइड पढ़ना है राइट, एंड सस्पेंशन पढ़ना है। तो इस तरीके से हम मिक्सचर को, प्योर सब्सटेंस को, देन प्योर सब्सटेंस में फिर एलिमेंट को, एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइड, फिर यहाँ पर कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वहीं मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर, देन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस में सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में फिर सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, कंसेंट्रेशन क्या होता है राइट, हेट्रोजीनियस में कोलाइड क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, इन सब की डेफिनेशंस राइट, इनके एग्जांपल्स, इनकी प्रॉपर्टीज को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे राइट। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो यहाँ पर मैटर्स को राइट, मैटर्स को जो है फिजिकली और केमिकली जो है दो रूपों में हम डिवाइड कर सकते हैं। सो द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, देन केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर फिजिकल क्लासिफिकेशन को समझते हैं राइट। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा राइट। तो सामान्य
टेम्परेचर, सामान्य जो नॉर्मल टेम्परेचर है एंड नॉर्मल प्रेशर के आधार पर मैटर को फिजिकली जो है क्लासिफाई किया जा सकता है, राइट। सो दिस क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज रिलेटेड टू फिजिकल स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रेशर हो जाएगा। और नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर मैटर का जब क्लासिफाई किया जाता है तो उसको ही क्या कहा जाता है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर कहा जाता है, राइट। तो यहां पर जो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, राइट, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आर ड्यू टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स हो जाएगा। मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर मैटर को जो है अलग अलग जो है क्लासिफाई किया जा सकता है और उनको ही हम क्या कहते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं, राइट। तो स्टेट्स ऑफ मैटर या फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को समझते हैं, राइट। सो देयर आर थ्री स्टेट्स, राइट। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। और वर्तमान समय में मॉडर्न फिजिक्स में दो स्टेट्स को और एक्सेप्ट किया गया है, राइट। सो हम कह सकते हैं कि देयर आर टोटल फाइव स्टेट्स, जिसमें से ऑन नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर देयर आर थ्री स्टेट्स, वो कौन कौन सी हो जाएंगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। और उसके बाद में ऑन स्पेसिफिक, इन स्पेसिफिक कंडीशन है उसमें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट एंड प्लाज्मा स्टेट भी जो है पाई जाती है। अब हम इन सभी पांच स्टेट्स को जो है बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आ जाएगी यहाँ पर सॉलिड स्टेट, राइट। तो द स्टेट ऑफ मैटर इन विच मैटर हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, एंड देयर आर क्लियर बाउंड्रीज, दैट इज नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी इज कॉल्ड अ सॉलिड स्टेट, राइट। तो सीधे से अगर हम देखें तो सॉलिड है, राइट। सॉलिड में जैसे हमने यहां पर ले लिया, ये कोई सा भी क्या हो जाएगा, बॉक्स हो जाएगा, राइट। सो द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द मैटर हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। जब मैटर का डेफिनेट क्या होता है, शेप होता है, और डेफिनेट क्या होता है, वॉल्यूम होता है, मतलब इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, विच मीन्स दैट मैटर में जो सॉलिड स्टेट होती है उसमें नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें मैटर की जो है बाउंड्रीज भी क्या होती हैं, क्लियर होती हैं, राइट। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। क्लोज होने के कारण जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इसका शेप भी फिक्स्ड होता है और वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, राइट। और साथ ही साथ डेंसिटी भी क्या होती, बहुत ही ज्यादा होती। जैसे क्या हो जाएगा, स्टोन हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। अब अगर हमसे यहां पर फाइव मार्कर में जो है सॉलिड की प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, राइट, डिफाइन सॉलिड स्टेट एंड डिफाइन द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो इसको हम यहां से समझ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैंने आपको अभी बताया कि जो सॉलिड स्टेज होती है, राइट, सॉलिड स्टेज में मैटर का जो पार्टिकल्स होते हैं, राइट, कोई भी हो जाएगा, जैसे ये जो है रिमोट हो जाएगा, ये पेन हो जाएगा, तो सॉलिड जो मैटर होता है, सॉलिड मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, राइट, सॉलिड मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं, राइट। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो जो पास होते हैं, तो इनकी वजह से पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट इज नेग्लिजिबल, राइट। तो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नेग्लिजिबल होता है तो इनके बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, इसी की वजह से इनका फिक्स्ड तो क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और फिक्स्ड ही क्या होता है, शेप होता है, राइट। साथ ही साथ ये जो फोर्स है ये बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर जो पार्टिकल्स की जो मोशन होती है
मोशन स्पीड बहुत ही कम होती है, और अगर आपको पता है कि पार्टिकल्स की अगर वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर दो जो है स्पीड आप लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड इज मिनिमम इन सॉलिड्स, साथ ही साथ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट इज मिनिमम इन क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। साथ ही साथ जो स्पेस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इसी वजह से शेप फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। साथ ही साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। इसी की वजह से इनकी जो डेंसिटी होती है, राइट, डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। साथ ही साथ इनको इजीली कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता है। तो ये हो जाएंगी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, राइट। नाउ वी विल स्टडी द लिक्विड स्टेट, राइट। सो द स्टेट ऑफ मैटर इन विच इट्स वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट शेप इज नॉट फिक्स्ड इज नोन एज लिक्विड स्टेट, राइट। सो द स्टेज ऑफ मैटर इन विच वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट शेप इज नॉट फिक्स्ड इज नोन एज लिक्विड स्टेज। वाई, अब आप यहां पर समझिए, जैसे हमने ये ले लिया वाटर, तो चूंकि जो वाटर है वो लिक्विड स्टेज में होता है, और लिक्विड स्टेज में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट, लिक्विड स्टेज में मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अच्छा, जब ये पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो इनके बीच में लगने वाला इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वह भी क्या होगा, कम होगा। तो जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो इसकी वजह से वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है परंतु इनका शेप क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। क्या नहीं होता है, शेप फिक्स्ड नहीं होता है। एंड इफ लिक्विड इज फिल इन अ वेसल, तो जो लिक्विड होते हैं वो उसी वेसल का क्या करते हैं, रूप ले लेते हैं। जैसे वाटर, वाटर को अगर आप बॉटल में रखेंगे तो वो बॉटल का शेप ले लेगा, यदि आप किसी जो है कप में रखेंगे तो वो कप का शेप ले लेगा, राइट। तो यहां पर जो है शेप फिक्स्ड नहीं होता है परंतु यहां पर जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे एक लीटर बॉटल को आप जो है प्लेट में रख दीजिए, राइट, बड़े जार में रख दीजिए, बीकर में रख दीजिए, तो वो रहेगा एक लीटर ही, लेकिन आप जिस भी वेसल में उसको रखेंगे वह उसी का क्या ले लेगा, रूप ले लेगा, राइट। साथ ही साथ इसमें चूंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, राइट, इस वजह से शेप में क्या होता है, चेंज होता है। इसीलिए जो लिक्विड स्टेट है या हम कह सकते हैं कि ये कैसी होती है, फ्लूइड होती है, राइट। अब अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड, सॉलिड से लेस होती है बट मोर देन क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, राइट। अब अगर हम देखें तो जो सॉलिड से लेस होती है परंतु गैसेस से ज्यादा होती है, बट यहां पर एक क्या है, आपको अपवाद भी देखने को मिलेगा, राइट। जैसे अगर हम देखें तो आइस क्या होता है, सॉलिड होता है, और वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो सॉलिड की जो है डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, वाटर की डेंसिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बट यहां पर अगर हम देखें तो आइस हैज लेस डेंसिटी देन क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। इसी वजह से जो आइस है वो क्या है, वाटर में तैरता रहता है, वो डूबता नहीं है। एग्जाम्पल इसकी क्या हो जाएंगे, वाटर, मिल्क, और क्या हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जनरल प्रॉपर्टीज को यहाँ पर समझते हैं, राइट। तो समझने का सबसे अच्छा तरीका वही है, राइट, कि जो लिक्विड स्टेट होती है, लिक्विड स्टेज में पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो सॉलिड के कंपेरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पर, राइट, तो यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन सॉलिड। क्यों होता है, क्योंकि जो लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड की अपेक्षा अधिक दूर क्या होते हैं, फार होते हैं। सो पार्टिकल्स आर फार्थर इन लिक्विड स्टेट एज कंपेरिजन टू सॉलिड स्टेट, और इनकी वजह से इनके बीच में लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है। इसी वजह से इनका वॉल्यूम तो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, परंतु
परंतु इनका शेप क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। इसीलिए अगर हम जो लिक्विड है उसको एक लीटर के बीकर में रखें या जार में रखें, राइट, तो जिस भी वेसल में आप लिक्विड को रखेंगे वह उसी का रूप ले लेगा, राइट। तो यहाँ पर वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और शेप क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। अब अगर हम देखें तो इनकी जो हार्डनेस होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होती है, ठोस होती है, राइट। क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, इसी वजह से इनको कंप्रेस भी किया जा सकता है, इनको कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब इनकी जो हार्डनेस है वो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, इसीलिए जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स और जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होती है, अधिक होती है, राइट। साथ ही साथ इनका डिफ्यूजन भी पॉसिबल है, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस इज पॉसिबल इन द लिक्विड स्टेज। तो ये क्या हो जाएंगी, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हो जाएंगी। अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे थर्ड स्टेज हो जाएगी, दैट इज द गैसियस स्टेट हो जाएगी, राइट। तो द स्टेट ऑफ मैटर इन विच इट हैज नाइदर अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम इज नोन एज गैसियस स्टेज। क्योंकि गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो द पार्टिकल्स इन गैसियस स्टेट आर मैक्सिमम फार्थेस्ट, और वी कैन से दैट मैक्सिमम फार्थेस्ट इन कंपैरिजन टू लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। तो जब ये सबसे ज़्यादा दूर होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा बहुत ही दूर होते हैं, इसी वजह से इनके बीच में लगने वाला जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है। और जब फोर्स वीक होता है तो इसी वजह से जो भी मैटर होता है उसका ना तो शेप फिक्स्ड होता है और ना ही उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इसीलिए जब इनको किसी वेसल में रखा जाता है या कंटेनर में रखा जाता है तो गैसेस फिल द इंटायर स्पेस ऑफ द वेसल, राइट, और इनके जो पार्टिकल होते हैं वो फार्थर होते हैं, राइट, चाहे सॉलिड से कंपेयर करें या लिक्विड से कंपेयर करें। इसीलिए जो गैसेस होती हैं वो मैक्सिमम क्या होती हैं, फ्लिड होती हैं, राइट। और इनके जो गैसेस का मूवमेंट होता है या पार्टिकल्स जो होते हैं वो इररेगुलर होते हैं, राइट, और बहुत ही रैपिड होते हैं। इसी वजह से जो गैसेस होती हैं वो कंटेनर को भर देती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो है जनरल प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो गैसेस होते हैं, गैसेस में जो मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, राइट, उनके बीच में गैप क्या होता है, मैक्सिमम होता है, राइट, और मैक्सिमम होता है इसकी वजह से, राइट। सो देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इन गैसियस स्टेट इज मैक्सिमम इन गैसेस, जिसकी वजह से इनके बीच में लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लोएस्ट होता है। इसी वजह से ना तो इनका सेफ फिक्स्ड होता है और ना ही इनका साइज क्या होता है, फिक्स्ड होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनको जिस भी वेसल में रखा जाता है ये उसी का क्या कर लेते हैं, सेप ले लेते हैं। तीसरी चीज, जो पार्टिकल्स की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, राइट। So the speed, or we can say that the speed or velocity of the particles in gaseous state is maximum. Therefore kinetic energy भी क्या होती है, maximum होती है। अब आप समझना, right? तो particles की kinetic energy और जो speed और momentum है वो gaseous state में सबसे ज़्यादा होती है, तो वहीं solid state में जो वेलोसिटी है और काइनेटिक एनर्जी सॉलिड स्टेट में सबसे कम होती है, तो गैसियस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स जो है वो मैक्सिमम होती है, राइट। क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए ये गैसेस क्या होती हैं, हाईली फ्लड होती हैं, राइट, और इनमें हाई क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी भी पाई जाती है, राइट। इस कमरे में या इस रूम में गैसेस के पार्टिकल्स भी हैं लेकिन मैं इजीली मूव कर सकता हूं, अर्थात उनको कंप्रेस कर सकता हूं, राइट। द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सेसिव डिफ्यूजन इज फाउंड
देम, और इनकी जो हार्डनेस है वो कैसी होती है, नेग्लिजिबल होती है, और डेंसिटी भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो डेंसिटी मैक्सिमम होती है सॉलिड की, मिनिमम होती है किसकी, गैसेस की। हार्डनेस मैक्सिमम होती है सॉलिड की परंतु नेग्लिजिबल होती है किसकी, गैसेस की। काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है गैसेस की परंतु मिनिमम होती है किसकी, सॉलिड की। हाईली फ्लड होते हैं गैसेस, और जो फ्लड होता है, जो फ्लड है वो ठोस जो है फ्लड नहीं होते। तो इस तरीके से हमने इन तीनों को ही समझ लिया, राइट। सो अंडर नॉर्मल कंडीशंस ये जो है थ्री स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट अंडर सर्टेन कंडीशंस देयर आर टू अदर स्टेट्स एज वेल, जिसमें पहली कौन सी हो जाएगी, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो हम इसमें से एक एक करके जो है इनके बारे में पढ़ते हैं। अब कौन सी हो जाएगी, फोर्थ हो जाएगी प्लाज्मा, राइट। तो प्लाज्मा इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल्स आर हाईली एनर्जाइज्ड, राइट, एनर्जाइज्ड एंड मोर क्या होते हैं, एक्साइज्ड होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, राइट। तो द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हाईली एनर्जाइज्ड, राइट, एंड मोर एक्साइटेड इज नोन एज प्लाज्मा, राइट। और प्लाज्मा में जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस में होते हैं, आयोनाइज्ड गैस के रूप में होते हैं, क्लियर। तो ये दो फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। द मैटर ऑफ द स्टेट ऑफ प्लाज्मा इज द मैटर ऑफ प्लाज्मा इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर हाईली एनर्जाइज्ड एंड मोर एक्साइटेड, ऑल्सो पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। अगर हम अर्थ की बात करें तो ऑन नॉर्मल कंडीशन, राइट, ऑन नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर प्लाज्मा स्टेट इज नॉट फाउंड इन द अर्थ, बट इन द यूनिवर्स द मैटर इज फाउंड मैक्सिमम इन प्लाज्मा स्टेट। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो यूनिवर्स है उसमें मोस्ट कॉमन जो स्टेट है वो कौन सी हो जाएगी, प्लाज्मा स्टेट हो जाएगी, क्योंकि स्टार्स हो जाएंगे। सो देयर आर न्यूमरस स्टार्स, राइट, उनमें जो मैटर, तो स्टार्स में जो मैटर्स है वो किस रूप में होता है, प्लाज्मा के रूप में ही होता है, राइट। अगर हम उदाहरण की बात करें सर्टेन कंडीशंस की, जैसे अगर हम देखें तो जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होते हैं या LEDs होती हैं, LEDs या ट्यूब लाइट में जो वाइट लाइट होता है वो प्लाज्मा के कारण ही होता है। अब प्लाज्मा के कारण क्या होता है वो उसको हम समझते हैं। तो देखिए, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं या जो नियोन बल्ब्स होती हैं, तो यहाँ पर नियोन बल्ब में नियोन गैस को और फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम और मर्क्यूरी की जो वेपर है ये भरी जाती है, राइट। जब इलेक्ट्रिसिटी इनमें प्रोवाइड कराई जाती है तो हीलियम और मर्क्यूरी वेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं या नियोन गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जाइज्ड हो जाते हैं और एक्साइटेड स्टेज में आ जाते हैं, जिससे ही प्लाज्मा प्रोड्यूस होती है। और इसी वजह से जो ट्यूब लाइट है या जो नियोन बल्ब है वो वाइट लाइट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ जो सन है या स्टार्स हैं इनमें भी जो शाइनिंग का रीजन है या वाइट लाइट का जो रीजन है वो प्लाज्मा स्टेट ही होती है, राइट। तो हमारी अर्थ पर सर्टेन कंडीशंस में ही प्लाज्मा स्टेट पाई जाती है, बट इन द यूनिवर्स जो मोस्ट कॉमन स्टेट है, स्टेट ऑफ मैटर हो जाएगी, वो कौन सी होती है, प्लाज्मा होती है। नेक्स्ट हो जाएगी यहाँ पर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, राइट। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट क्या होती है, देखिए, अ गैस विद अ डेंसिटी एज लो एज 1/1000th ऑफ द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल गैस इज कूल्ड एट वेरी लो टेम्परेचर एंड अटेन्स अ बोस कंडेंसेट स्टेट, राइट। तो यहाँ पर जब किसी बहुत कम डेंसिटी वाली गैस को बहुत ही कम टेम्परेचर पर रखा जाता है तब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट जो है प्राप्त होती है। तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, अ गैस विद अ डेंसिटी एज लो एज 1/1000th ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ नॉर्मल गैस इज कूल्ड टू अ वेरी लो टेम्परेचर देन इट अटेन्स अ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। अब जो ये स्टेज है
ये जो स्टेट है मैटर की, इसको दो साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया। एक क्या हो जाएगा, बोस, और दूसरे कौन से हो जाएंगे, आइंस्टाइन। क्यों? क्योंकि इन 1920 में जो इंडियन साइंटिस्ट थे, सत्येंद्र नाथ बोस, राइट, तो इन 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने ही कुछ कैलकुलेशंस किए थे मैटर की फिफ्थ स्टेज के लिए, राइट। लेटर जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, राइट, आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर विच वॉज कॉल्ड, राइट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इस स्टेट को एक्सप्लोर करने में, राइट, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों का ही क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए इसको बोस, राइट, आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये यहाँ पर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट कहते हैं। साथ ही साथ इस पर अभी भी जो है रिसर्च जो है जारी है, राइट, और इन 2001 में 3 साइंटिस्ट, राइट, एरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैटरेले एंड कार्ल ई वीनमैन को जो है नोबेल प्राइज दिया गया है इन फिजिक्स फॉर अचीविंग द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, राइट, कंडेंसेट स्टेट, VEC, क्लियर। चलिए अब हम यहां पर जो है केमिकल क्लासिफिकेशन को देखते हैं, राइट, तो केमिकल क्लासिफिकेशन को हम समझते हैं। यहां पर आप ये बिल्कुल याद रखें कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, राइट, फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपको सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, तीनों की जनरल प्रॉपर्टीज, देन प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, इनको 5-5 नंबर के लिए और 3 मार्कर के लिए प्रिपेयर करना है। नाउ वी विल स्टडी द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, राइट। तो जब मैटर को केमिकली क्लासिफाई किया जाता है तो मैटर को हम मिक्सचर में और प्योर सब्सटेंस में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ, प्योर का मतलब क्या हुआ, शुद्ध, मतलब जब कोई मैटर एक समान पार्टिकल्स है, व्हेन अ मैटर इज मेड अप ऑफ अ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स देन इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को फिर 2 कैटेगरी में हम जो है तोड़ सकते हैं। जैसे प्योर सब्सटेंस में यहां पर हम उदाहरण ले लेते हैं किसका, एक हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और दूसरा क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अब प्योर सब्सटेंस का वह बेसिक, हम कह सकते हैं कि वह बेसिक फॉर्म या वह बेसिक स्टेट जिसको और अधिक स्मॉल पार्टिकल में ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता, उसको ही क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, राइट। जैसे प्योर सब्सटेंस हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का H हो जाएगा, राइट। अब आप मुझे बताइए हाइड्रोजन को या हाइड्रोजन का जो पार्टिकल होता है, हाइड्रोजन गैस के बारे में बात नहीं कर रहा, हाइड्रोजन गैस जो है वो कंपाउंड में आ जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन जो एक तरीके से एलिमेंट हो जाएगा उसको और हम छोटे छोटे जो है स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं क्या, नहीं, तो वो हो जाएगा एलिमेंट। और जब 2 or more than 2 एलिमेंट्स को एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में केमिकली क्या किया जाता है, केमिकली जो है कंबाइन किया जाता है तो कंपाउंड बनता है। जैसे हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल से हाइड्रोजन गैस बन जाती है, जब हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 क्या ले लें हम, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम ले लें और ऑक्सीजन का 1 एटम ले लें, राइट, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। चलिए फिर कंपाउंड भी जो है ऑर्गेनिक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक हो जाएगा, राइट। इसमें क्या अंतर होता है, फिर एलिमेंट को भी मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट में, इन सब को जो है इसी लेक्चर में हम समझेंगे। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन आप याद रखें, इफ ऑल द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मैटर आर ऑफ सेम केमिकल नेचर, राइट, देन मैटर इज नोन एज प्योर सब्सटेंस, क्लियर। तो 3 मार्कर के लिए डेफिनेशंस, इफ ऑल द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मैटर आर ऑफ सेम केमिकल नेचर देन दिस मैटर इज नोन एज प्योर सब्सटेंस, या फिर हम कह सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। तो ये दोनों ही जो है डेफिनेशन हम एग्जाम में लिख सकते हैं, या तो क्या हो जाएगा ऑल द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ मैटर आर ऑफ सेम केमिकल नेचर, या फिर हम कह सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ
ओनली वन टाइप ऑफ क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स हो जाएगा, राइट। तो उसको ही क्या कहा जाता है, प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। अब जो प्योर सब्सटेंस है इसको भी दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है, एलिमेंट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। एलिमेंट को समझते हैं, राइट। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस और मैटर विच के नॉट बी स्प्लिट ऑफ इनटू टू और सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द मींस ऑफ केमिकल मेथड्स ऑफ अप्लाइंग हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, राइट। तो यहां पर बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है कि एलिमेंट मैटर का वह रूप होता है जिसको और अधिक स्प्लिट नहीं किया जा सकता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, राइट, बाय मींस ऑफ केमिकल मेथड्स ऑफ अप्लाइंग हीट, लाइट और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे H2O है, राइट। अगर हम H2O में इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर जो वाटर है वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन का जो एटम ले लें, राइट, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी यही होता है और चूंकि हाइड्रोजन का जो एटम है वह भी सिंगल एटम होता है इसलिए यही क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का एटम हो जाएगा। तो क्या आप हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को और भी छोटे पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। परंतु अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे ये हाइड्रोजन का एटम हो जाएगा, इसको तोड़ा जा सकता है तो बिल्कुल तोड़ा जा सकता है, इसको हाइड्रोजन में, राइट, और ऑक्सीजन में जो है तोड़ा जा सकता है, राइट। तो इस तरीके से यहां पर क्या है, एलिमेंट की हमने डेफिनेशन देखी, क्लियर। एन एलिमेंट, राइट, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस और एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस और मैटर विच कैन नॉट बी स्प्लिट ऑफ इनटू टू और सिंपलर सब्सटेंसेस बाय मींस ऑफ केमिकल मेथड ऑफ अप्लाइंग हीट, लाइट और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो ऑक्सीजन, राइट, नाइट्रोजन, देन सिल्वर, देन क्या हो जाएगा, कॉपर, ईटीसी। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिल्वर एंड कॉपर, इसके क्या हो जाएंगे, एग्जांपल्स हो जाएंगे। जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को भी फर्दर जो है क्लासिफाई किया जाता है इन मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलाइड में। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, मेटल्स, राइट। मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच एग्जिबिट ऑल और सम फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सबसे पहला क्या हो जाएगा, मेटल आर साइनी, मतलब मेटल्स में जो है मेटेलिक साइन पाई जाती है, राइट। जैसे ही हम मेटल को सनलाइट में रखते हैं तो वो साइन करती है, तो मेटल्स आर हैविंग मेटेलिक साइन, राइट। देन सेकेंड क्या हो जाएगा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चूंकि मेटल्स में पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होते हैं इसी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट के होते हैं, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड, मेटल्स आर डक्टाइल, विच मीन्स दैट मैटर को अगर प्रेशर लगा के खींचा जाए, राइट, स्ट्रेच किया जाए, इफ मेटल्स आर स्ट्रेच्ड तो उनको लंबे लंबे वायर के तौर पर जो है खींचा जा सकता है, राइट। जैसे जो गोल्ड है, राइट, गोल्ड 10 ग्राम जो गोल्ड है उससे हम 2 किलोमीटर लंबा वायर जो है खींच सकते हैं। तो फर्स्ट, मेटल्स आर साइनी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। थर्ड, मेटल्स आर डक्टाइल। फोर्थ, मेटल्स आर मैलिएबल, राइट। आप अगर किसी स्टोन पर, किसी स्टोन पर किसी दूसरी मजबूत स्टोन से एक तरीके से प्रहार करेंगे तो जो स्टोन है वो कई भागों में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, राइट। परंतु मेटल्स को अगर हम क्या करते हैं, चोट करते हैं, या मेटल्स पर अगर हम हथौड़े से चोट करते हैं तो वो फाइन सीट्स में या पतली सीट में क्या हो जाती है, बदल जाती है, राइट। तो उसको ही क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो मेटल्स आर मैलिएबल, दैट इज इफ मेटल्स आर बीटन एंड मोल्डेड तो वो फाइन सीट्स में क्या होती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, बट वो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटती हैं। देन मेटल्स आर रेसोनेंट, राइट।
जैसे ही अगर हम कोई भी जो है मेटलिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये इतने गुण होते हैं, मेटल्स आर साइनी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, मेटल्स आर मेलेबल, रेसोनेंट हो जाएंगे, एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, यहाँ पर देयर इज अ फैक्ट मर्कुरी, राइट, मर्कुरी इज मेटल, राइट, अगर आप देखेंगे, सो मेटल आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, किस में, सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, राइट, मेटल आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, बट मर्करी एक ऐसी मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है, क्लियर, देन क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स हो जाएंगी, राइट, सो नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स, राइट, विच आर, राइट, विच, राइट, तो नैन जो नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होती हैं जो कि ब्राइट नहीं होती है, अर्थात इनमें साइन नहीं पाई जाती है, एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, आयोडीन, राइट, तो आयोडीन साइन करता है, बाकी जो अदर नॉन मेटल्स होती हैं वो साइन नहीं करती हैं, मेटल्स आर नॉट रेसोनेंट हो जाएंगी, अगर उन पर अगर हम जो है उनको बीट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं, मेटल्स आर नॉट मेलिएबल एंड मेटल्स आर नॉट क्या हो जाएंगे, डक्टाइल हो जाएंगे, साथ ही साथ जो मेटल्स आर सॉरी नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, और मेटल्स के क्या होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, ब्रोमाइन हो जाएगा, और क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन फिर एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होती है, राइट, साथ ही साथ आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है, राइट, जो कि एक्सेप्शन है, किसका, कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो साइनिंग नहीं होती हैं, बट आयोडीन हैज साइनिंग, ब्रोमीन जो है ये रूम टेम्परेचर पर क्या होती है, लिक्विड स्टेट में होती है, अब थर्ड क्या हो जाएगा, मेटोलाइड हो जाएगा, राइट, मेटोलाइड आर दोज एलिमेंट्स विच शोज द प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फॉर एन एग्जाम्पल इफ देखें, राइट, सो मेटोलाइड आर दोज एलिमेंट्स विच ऑन रूम टेम्परेचर और वी कैन से दैट ऑन नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर दे, राइट, दे वर्क लाइक नॉन मेटल्स, राइट, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो मेटलॉइड्स होते हैं वो नॉन मेटल्स की तरह कार्य करते हैं, बट इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, राइट, यदि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो जो मेटलॉइड्स होते हैं वो मेटल्स के समान क्या करते हैं, कार्य करते हैं, अर्थात टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, एंड इफ बी एड इम्प्योरिटी, राइट, बाय डोपिंग, डोपिंग की प्रोसेस से यदि हम इम्प्योरिटी को ऐड करें और टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो जो मेटल्स हैं, जो मेटलॉइड्स हैं वो मेटल्स की समान जो हैं बिहेव करती हैं, अर्थात मेटलॉइड्स भी जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के मतलब इलेक्ट्रिक करंट इनसे फ्लो हो सकता है, जैसे क्या हो जाएगा, बोरोन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा एंड जर्मेनियम हो जाएगा, राइट, तो इस तरीके से हमने जो है प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ लिया है, राइट, तो मैटर में हमने प्योर सब्सटेंस को समझ लिया है, एलिमेंट को समझ लिया है, देन मेटल नॉन मेटल एंड मेटलॉइड के बारे में समझ लिया है, अब जो है हम यहाँ पर कंपाउंड के बारे में समझते हैं, तो कंपाउंड क्या होता है, देखिए अ मैटर कंपाउंड जो है मैटर होता है, सो अ मैटर दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन इज कॉल्ड कंपाउंड। अब जब आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो कुछ कीवर्ड्स को आपको हमेशा साइंस में मेंशन करना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं लिखा तो वो डेफिनेशन तो मिक्सचर की भी हो सकती है, क्योंकि मिक्सचर में भी टू और मोर जो है एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है कि मिक्सचर में जो केमिकली कंबाइंड केमिकल कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, राइट, तो यहां पर फिक्स्ड जो है इस वर्ड को लिखना बहुत ही जरूरी है, राइट, तो ये हो जाएगी डेफिनेशन, राइट, अ मैटर दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ कंपाउंड। ये सभी क्या होते हैं,
कंपाउंड कहलाते हैं, राइट। अ मैटर दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन इज कॉल्ड कंबाइंड, राइट। और कंपाउंड में जब दो या दो से अधिक एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं तो उससे एक न्यू सब्सटेंस क्या होता है, क्रिएट बनता है। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, या हम कह सकते हैं कि इससे न्यू मैटर या न्यू कंपाउंड का क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। दो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन क्या होता है, स्टेबल होता है। मतलब जो H2O ये कंपाउंड है, इसमें हमेशा जो केमिकल कंपोजिशन है, प्रोपोर्शन है, ये हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। साथ ही साथ कंपाउंड में जो रिजल्ट होता है, कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसके कंपोनेंट से क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। फॉर एन एग्जांपल हाइड्रोजन, राइट, जैसे हमने कहा कि ये हाइड्रोजन गैस हो जाएगी और ये ऑक्सीजन गैस हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, परंतु जब हाइड्रोजन गैस के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल जो है आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो उससे क्या बनता है, जल बनता है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4H2 प्लस का 2O2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2H2O बन जाएगा। राइट तो इस तरीके से जब कंपाउंड में जो कंपाउंड होता है उसमें इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उससे बिल्कुल अलग ही क्या होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। साथ ही साथ कंपाउंड में ये जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको केमिकली और इलेक्ट्रोकेमिकली रिएक्शन के द्वारा ही जो है अलग अलग किया जा सकता है। जब हम मिक्सचर को पढ़ेंगे तो मिक्सचर में हमको डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर को भी देखना है, तो उसमें आपको ये सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है, राइट। तो कंपाउंड में जो कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ उसके कंपोनेंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती हैं, राइट। साथ ही साथ जो कंपोनेंट्स हैं कैन बी सेपरेटेड ओनली केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, अर्थात फिजिकल एक्शन से आप कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड होता है वो केमिकल चेंज को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, राइट। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज हो जाएगा, राइट। इनको सेपरेट हम केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही कर सकते हैं, किसको, कंपाउंड के एलिमेंट्स को। साथ ही साथ कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज और कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग होती हैं। जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स्ड होता है, स्टेबल होता है, राइट। तो ये जो है हमने यहाँ पर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लिया है, राइट। जैसे मैंने आपको बता दिया अभी हाइड्रोजन के बारे में, इसके अलावा भी क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा या NaCl हो जाएगा। अब जो कंपाउंड है, कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इन ऑर्गेनिक एंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, देखिए कंपाउंड होज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज कार्बन, राइट। ऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ कि जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, कार्बन होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, कार्बन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, और वी कैन से दैट कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो अवेलेबल होता है, उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो सिंपल डेफिनेशन, कंपाउंड्स होज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज कार्बन, ऑल्सो कार्बन इज बाउंडेड टू हाइड्रोजन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। जैसे क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैक्स हो जाएगा, राइट। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। सो द कंपाउंड इन विच कार्बन इज नॉट द मेन कंपोनेंट और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, तो हम कह सकते हैं कंपाउंड्स होज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज नॉट कार्बन, या हम कह सकते हैं कि द कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज नॉट द मेन कंपोनेंट, राइट। एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट आल्सो फाउंड, और केमिकल हाइड्रोजन बॉन्ड इज अब्सेंट, देन दिस इज नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर रॉक्स हो जाएंगे, या सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। तो सॉल्ट है या वाशिंग सोडा है, तो वाशिंग सोडा और जो सॉल्ट है,
राइट, NaCl, ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ना तो इसमें कार्बन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट है और ना ही इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। और ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, दीज आर ऑब्टेंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस, राइट, लाइक क्या हो जाएगा, रॉक्स हो जाएगा और मिनरल्स हो जाएगा। क्लियर, नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। देखिए, हम यहाँ पर एलिमेंट की डेफिनेशन भी समझ चुके हैं और कंपाउंड की डेफिनेशन भी समझ चुके हैं, तो 11 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन एलिमेंट एंड कंपाउंड, आल्सो डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, राइट। तो एलिमेंट और कंपाउंड की जो डेफिनेशन है हम पहले ही देख चुके हैं, अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स, राइट। तो अगर हम देखें तो ये डेफिनेशन जो है किसकी हो जाएगी, प्योर सब्सटेंस की, और एलिमेंट को जो है फर्दर हम जो है और छोटे जो सिंपलर पार्टिकल्स होते हैं उसमें ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। तो जनरली बिल्कुल हम कह सकते हैं कि एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ क्या हो जाएगा, एटम्स हो जाएगा। तो जो एलिमेंट है वो एक टाइप के एटम्स से मिलकर क्या होता है, बना हुआ होता है। वहीं जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड आर मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स कमिंग टुगेदर इन डेफिनेट क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा। जैसे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हो जाएगा और ऑक्सीजन, राइट, तो हाइड्रोजन के जब दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक एटम, राइट, तो हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम जब फॉर्म करते हैं तो उसी से क्या बनता है, यहाँ पर वाटर बनता है। तो कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स कमिंग टुगेदर इन डेफिनेट क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसकी वजह से, एटम की वजह से होती हैं, राइट। तो जो भी एलिमेंट होता है, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा, राइट। तो एटम की वजह से ही उसकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं। वहीं हमने यहाँ पर देखा है कि जो कंपाउंड होता है, राइट, कंपाउंड जो है दो या दो से अधिक एटम के कंबाइन होने से ही क्या होता है, बनता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनसे मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, राइट। क्योंकि यहाँ पर जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के जो एटम्स मिलते हैं तो उससे कंपाउंड का क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है, राइट। तो एक मॉलिक्यूल से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर अगले अगर हम देखें तो जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट को हमने देखा है कि एलिमेंट डू नॉट डिकम्पोज इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस, चाहे आप फिजिकल या केमिकल रिएक्शंस कर लें, जो एलिमेंट होता है उसको आप स्पिल्ट अप नहीं कर सकते हैं। वहीं जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, अर्थात इसको ब्रोकन डाउन किया जा सकता है बाय फिजिकल और केमिकल एक्शन, राइट। तो जो फिजिकल एक्शन है उससे तो क्या होता है, मिक्सचर अलग होता है, तो यहाँ पर केमिकल एक्शंस के माध्यम से जो है अलग किया जा सकता है। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या जो है कितनी है, 118 है। अभी तक के जो ज्ञात एलिमेंट है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 118 हो जाएगी। वहीं जो कंपाउंड्स की जो संख्या है, राइट, वो जो है बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि एलिमेंट्स जब एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आपस में कंबाइन होते हैं तो उससे क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। तो कंपाउंड की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। एग्जांपल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, राइट, फॉस्फोरस हो जाएगा, राइट, और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, वाटर हो जाएगा, H2O, सोडियम हो जाएगा, NaCl, क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, एक्सेट्रा, राइट। सो इन दिस वे वी हैव अंडरस्टूड मैटर, एलिमेंट एंड कंपाउंड, राइट। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी मिक्सचर। टिल देन, थैंक यू।